हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेस लेसन। अक्सर आपसे पूछा जाता होगा या तो पूछा गया होगा कभी, व्हाट आर योर हॉबीज। तो आपका रिप्लाई कुछ इस तरह से होता है, आई लाइक सिंगिंग, स्विमिंग, टीचिंग, प्लेइंग, डांसिंग। दरअसल इनको कहा जाता है जेरेंड। जब आप किसी भी वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो फिर जेरेंड बन जाता है। इंग्लिश में जेरेंड को तीन जगह यूज किया जाता है, फर्स्ट एज द सब्जेक्ट, दूसरा एज द ऑब्जेक्ट और तीसरा आफ्टर प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है स्पीकिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक। इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, जहां पे भी ना की साउंड आ जाए तो वो भी क्या होगा, जेरेंड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेस लेसन। तो हमेशा की तरह मैं आज एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अच्छा, अक्सर आपसे पूछा जाता होगा या तो पूछा गया होगा कभी, व्हाट आर योर हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या क्या है। तो आपका रिप्लाई कुछ इस तरह से होता है, आई लाइक सिंगिंग, स्विमिंग, टीचिंग, प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग। तो आप इस तरह आंसर देते हैं, बट आपको पता है कि ये सारे वर्ड्स जो आपने कहे ना, वो है क्या। तो आज इनके ऊपर ही बात करने वाला हूं कि ये सारे जो आपने सारे वर्ड्स कहे ये है क्या। दरअसल इनको कहा जाता है जेरेंड। व्हाट इज जेरेंड, जेरेंड क्या है। जेरेंड इज एन आईएनजी वर्ड दैट लुक्स लाइक अ वर्ब बट फंक्शंस एज अ नाउन। तो जेरेंड एक वर्ड है जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म से मिलकर बना होता है। ये देखने में तो वर्ब लगता है बट ये वर्ब नहीं, नाउन की तरह यूज होता है, जैसे रनिंग, प्लेइंग, स्विमिंग, टीचिंग, डांसिंग, गोइंग, बीटिंग, ईटीसी। तो ये सारे वर्ड्स वर्ब लग रहे हैं बट ये वर्ब नहीं है, ये नाउन की तरह यूज होते हैं। तो नाउन की तरह यूज कैसे होंगे वही बताने वाला हूं। जब आप किसी भी वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो फिर जेरेंड बन जाता है। तो शर्त एक है, जिस वर्ब में आपने आईएनजी जोड़ा है वो वर्ड इज, एम, आर, वाज, वर, विल, बी के बाद नहीं आना चाहिए। ऐसे सारे वर्ड इनसे पहले आ सकते हैं बट इनके बाद नहीं, या कई और आ सकते हैं तो भी वो जेरेंड होगा, बट इन, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, बी के बाद बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर इज, एम, आर, वाज, वर, विल, बी के बाद किसी वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा होगा तो फिर वो जेरेंड नहीं होगा, तो वह किसी भी टेंस की कॉन्टिन्यूस फॉर्म होगी, ना कि जेरेंड। अब बताने वाला हूं मैं जेरेंड को इंग्लिश में कहां यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। तो इंग्लिश में जेरेंड को तीन जगह यूज किया जाता है, फर्स्ट एज द सब्जेक्ट, दूसरा एज द ऑब्जेक्ट और तीसरा आफ्टर प्रीपोजिशन। तो जानते हैं कि फर्स्ट यूज कैसे किया जाएगा, एज द सब्जेक्ट। अच्छा, जब हमें किसी भी सेंटेंस को शुरू करना होगा तो सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है, जैसे आई टीच, तो आई क्या है, सब्जेक्ट। जैसे क्या, दे टीच, दे क्या यहां पे सब्जेक्ट है। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की आईएनजी फॉर्म से हो रही है तो फिर वो क्या है, जेरेंड है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, और एक एग्जांपल फर्स्ट है यहां पे, टीचिंग इज एन आर्ट। तो यहां पे टीच क्या है, वर्ब, और टीच के साथ हमने क्या जोड़ रखा है, आईएनजी। अब बन गया ये टीचिंग, और सेंटेंस के सबसे कहां आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, टीचिंग इज एन आर्ट। तो यहां पे टीचिंग कैसे यूज हुआ, एज द सब्जेक्ट। बताया था ना, सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है। दूसरी बात जो मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर कहीं भी इज, एम, आर, वाज, वर से पहले आ जाए तो जीरण होगा। तो यहां पे इज से पहले आ रखा है, ना कि इसके बाद। अगर इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती तो फिर वो जीरण नहीं होता है, बट यहां पे इज से पहले आया, तो टीचिंग इज एन आर्ट, पढ़ाना एक क्या कला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, स्विमिंग इज गुड हैबिट। तो तैरना क्या है, एक अच्छी आदत है। जैसे नेक्स्ट है, स्पीकिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक। इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, अ पीस ऑफ केक क्या है, यहाँ पे idiom है, इसका मतलब है टू डू समथिंग वेरी इजी, काम करने में बहुत आसान हो, तो उसे बोलते हैं पीस ऑफ केक। वैसे इंग्लिश बोलना बहुत आसान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बूजिंग एंड स्मोकिंग आर डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। मतलब शराब पीना और स्मोकिंग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या है, हानिकारक। आपने इन सेंटेंसेस में देखा होगा कि यहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म सबसे पहले आ रही है, मतलब एज ए सब्जेक्ट यूज किया अभी हमने यहां पे। तो इन तीनों सेंटेंसेस में देख लीजिए कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म किससे पहले आ रही है, इज, एम, आर, ना कि उसके बाद, मतलब यहां पे ये क्या है, जेरेंड है। अगर ये सारे इज, एम, आर के बाद आते तो फिर ये जेरेंड नहीं होता है। अब नेक्स्ट चीज यहां पे गौर करने वाली है, स्विमिंग तैरना, स्पीकिंग बोलना, बूजिंग पीना, स्मोकिंग पीना, इन सारे सेंटेंसेस में एक साउंड आ रही है ना, तो ना जहां पे भी ना की साउंड आ जाए तो वो भी क्या होगा, जेरेंड। तो ये भी क्या एक हिंट है कि
कि आपको जिरंड समझने के लिए जहां पे भी ना ना की साउंड आ जाए तो वो क्या है, जिरंड। अब यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स और ले लिए, जैसे आई एम टीचिंग, दे आर लर्निंग इंग्लिश, आई वॉज वॉचिंग मूवी, दे वर हैविंग पार्टी, वे विल बी अटेंडिंग क्लास, एंड लास्ट है सेज डूइंग जॉब। अब यहां पे भी वर्ब के साथ आई एन जी फॉर्म तो आ रही है बिल्कुल, बट किसके बाद, इज एम आर वॉज वर विल बी के बाद। और मैंने क्या कहा था, अगर इन सब के बाद इज एम आर वॉज वर विल बी के बाद अगर वर्ब के साथ आई एन जी फॉर्म आएगी तो वो जेरेंड नहीं होगा, वो फिर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, दे आर लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रहे, और आई वॉज हैविंग पार्टी, में पार्टी कर रहा था, मतलब यहाँ ना तो ना की साउंड आ रही है और ना ही इज एम आर के पहले वर्ब की आई एन जी फॉर्म आ रही, मतलब ये जेरेंड नहीं है, ये सारे के सारे क्या है, कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस हैं। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि जेरेंड क्या है और जेरेंड को कैसे यूज करना है। अब चलते थोड़ा नेक्स्ट स्टेप की तरफ, अगर आपको किसी भी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से करनी है तो वहाँ जेरेंड यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल है, स्मोकिंग इज बैड हैबिट, धूम्रपान करना बुरी आदत, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे क्या है, क्लोज द डोर, तो हम इसे क्लोजिंग द डोर नहीं कह सकते, ये फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन है, वर्ब के साथ सेंटेंस शुरू तो हुआ है बट आईएनजी लगाकर नहीं, जैसे क्लोज द विंडो, तो हम इसे क्लोजिंग द विंडो भी नहीं कहते। जैसे स्टैंड अप, सिट डाउन, तो यहाँ हम वर्ब के साथ आईएनजी बिल्कुल भी यूज नहीं करते, तो ये क्या है, एक्सेप्शनल है। अब बढ़ते हैं कि जेरेंड को एज द ऑब्जेक्ट कैसे यूज किया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं जेरेंड को हम एज द ऑब्जेक्ट कैसे यूज करेंगे। अच्छा, हम सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करते हैं और सेंटेंस की एंडिंग ऑब्जेक्ट से करते हैं, मतलब सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट लगाते हैं और सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई टीच स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्ट। जैसे दे प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्ट। इसी तरह हम जेरेंड को भी एज द ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई लाइक टीचिंग, तो क्या, मुझे पढ़ाना पसंद है, तो यहाँ टीचिंग का आ रहा है सबसे लास्ट में, और यहाँ इज एम आर कहीं आया नहीं, बताया था कि इज एम आर वज वर्ब के बाद वर्ब में आई एन जी नहीं आना चाहिए, अदरवाइज इसके अलावा तो हम कहीं भी वर्ब में आई एन जी लगा सकते हैं तो वो जेरेंड ही होगा, तो यहाँ पे इज एम आर वज वर्ब कुछ भी नहीं आया है, तो ये क्या है, जेरेंड। बट इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आई लाइक टू टीच, तो ये इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव के बारे में मैंने अभी बात नहीं करी है इस वीडियो में, तो इन्फिनिटिव के ऊपर अलग से नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो वहां पे पूरा इन्फिनिटिव यूज करके बताऊंगा कि इन्फिनिटिव को कैसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, आई लाइक टेकिंग फोटोग्राफ्स, मुझे फोटोग्राफ्स लेना क्या पसंद है, लेना, ना कि साउंड, ठीक है, टेकिंग, यहाँ पे क्या आई एन जी, तो आपको दिख रहा है लास्ट में कह रहा है, यहाँ पे जेरेंड एज द ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी नोज ड्राइविंग कार, उसे कार चलाना आता है, चलाना, ना कि साउंड, और क्या है, वर्ब में आईएनजी है, तो ये भी क्या है, जेरेंड। नेक्स्ट एग्जांपल है, दे नो स्पीकिंग इंग्लिश एंड राइटिंग इंग्लिश, मतलब उनको इंग्लिश बोलना और लिखना आता है, तो बोलना और लिखना, ना कि साउंड, और सेंटेंस कहां रहे, लास्ट में, मतलब ऑब्जेक्ट, यहां पे हमने जेरेंड को एज द ऑब्जेक्ट यूज किया है। अब तीसरी जगह हम जेरेंड को इंग्लिश में यूज करते हैं और लास्ट जगह आफ्टर प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के साथ जेरेंड को कैसे यूज करेंगे, अगर किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है तो वो पक्का क्या होगा, जेरेंड होगा, और उसमें पक्का किसकी साउंड आएगी, ना की साउंड आएगी। अब प्रीपोजिशन क्या होते हैं, जैसे इन, ऑन, अंडर, अबव, फॉर, टू, बिफोर, आफ्टर, ये सारी की सारी क्या है, प्रीपोजिशन है। अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद जेरेंड कैसे यूज होगा। एग्जाम्पल है, ही बाथ्स बिफोर गोइंग ऑफिस, मतलब वह नहाता है ऑफिस जाने से पहले, जाना, ना की साउंड है, और यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है, बिफोर, और बिफोर के बाद क्या रखा है, वर्ब में आईएनजी, मतलब यहाँ पे क्या है, जेरेंड। नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, तो फॉन्ड ऑफ यहाँ पे क्या है, फ्रेज, ठीक है, और ऑफ क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन, खेलना, तो मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, खेलना, तो ना की साउंड आ रही है, और ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आ रखा है प्लेइंग, मतलब वर्ब में आईएनजी। नेक्स्ट एग्जांपल है, वी यूज फोन बिफोर स्लीपिंग, हम सोने से पहले फोन यूज करते हैं, सोना, किसकी साउंड है, ना। और लास्ट एग्जांपल है, इन स्पाइट ऑफ फेलिंग टू मेनी टाइम्स ही डिड नॉट गिव अप, मतलब कई बार फेल होने के बावजूद भी, फेल होना मतलब फेलिंग, फेल होने के बावजूद भी उसने गिव अप, मतलब हार नहीं मानी। यहां पे ऑफ, बिफोर, ये सारी क्या है, प्रीपोजिशन है।
और ये ग्रामेटिकल रूल भी है, अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आ जाती है तो वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी और वो वर्ब हमेशा क्या होगा, जेरंड ही होगा। अब लास्ट में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूँ, तो अब यहाँ पे आपको जेरंड को पहचानना है कि इन सारे सेंटेंसेस में जेरंड कहाँ है। जैसे आपको यहाँ पे 5 एग्जांपल दिख रहे हैं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा है ड्रिंकिंग वाटर इज हेल्दी, तीसरा है इज दिस ड्रिंकिंग वाटर, चौथा है रनिंग इज गुड एक्सरसाइज, और लास्ट है ही हैज सेटिस्फाइंग जॉब। अब आप पहचानो यहाँ जेरंड कहाँ है। चलो आप देख लेते हैं आपका आंसर सही है या गलत। फर्स्ट एग्जांपल है आई एम ड्रिंकिंग वाटर, तो यहाँ एन के बाद आईएनजी फॉर्म आ रखी ड्रिंक में, तो ये मैंने बताया था ना इज एम आर वाज वर के बाद जब भी वर्ब में आईएनजी आएगा तो वो जेरंड नहीं होगा, वो कॉन्टिन्यूस का पार्ट है। तो आई एम ड्रिंकिंग वाटर में पानी पी रहा हूं, तो ये जेरंड नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है ड्रिंकिंग वाटर इज हेल्थी, ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर, और यहाँ पे जेरंड है क्या है, ड्रिंकिंग, यहाँ पे एज द सब्जेक्ट यूज हुआ है और इससे पहले क्या रखा है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म आ रखा है, मतलब यहाँ पे सेकंड वाले सेंटेंस में जेरंड है। अब थर्ड एग्जांपल है इज दिस ड्रिंकिंग वाटर, तो क्या यहाँ पे जेरंड है, यहाँ पे भी जेरंड बिल्कुल भी नहीं है, ये यहाँ पे ड्रिंकिंग के एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव आपको बताया था जो नाउन की इंफॉर्मेशन दे दे वो एडजेक्टिव है, वाटर यहाँ पे क्या है, नाउन है, और नाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे दे वो क्या है, एडजेक्टिव, और अभी वाटर के बारे में ड्रिंकिंग क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो मतलब ये ड्रिंकिंग क्या है, एडजेक्टिव है, ना कि आपका जेरंड। और थर्ड एग्जाम्पल है रनिंग इज गुड एक्सरसाइज, मतलब दौड़ना एक बहुत अच्छी क्या है, एक्सरसाइज है दौड़ना, ना कि साउंड है, और किससे पहले आ रखा है, इससे पहले आ रखा है, और एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, जेरंड है। और लास्ट है सी हैज सेटिस्फाइंग जॉब, तो उसके पास क्या है, सेटिस्फाइंग जॉब, तो यहाँ पे भी ये सेटिस्फाइंग क्या है, एडजेक्टिव है, जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पे ये भी जेरंड बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद है आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा कि जेरंड को कहाँ यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। तो आप लोग कॉमेंट करके बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो लोग अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए, और हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे आपके साथ एक नई इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।